आपका जो पोर्शन है मैथ वाला, मैथ सेक्शन जो है उसमें आपके 38 क्वेश्चन होते हैं, और 38 क्वेश्चन में वो करीबन 50% कवर कर रहा है रीजनिंग और 50% कवर कर रहा है मैथ्स। तो मान के चलो कि इस 38 में 18 से 19 क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग का दे देता है ना, जिसमें आपका एनालॉगी होता है, सीरीज होता है, अल्फाबेट सीरीज होता है। तो ये तो रीजनिंग वाले सर आपको बताएंगे, उसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो 20 क्वेश्चन, 19 से 20 क्वेश्चन आपके पास है, 19 20 21 क्वेश्चन, किसी पेपर में 20 क्वेश्चन पूछा था, किसी क्वेश्चन में 21 पूछ लिया था, तो किसी पेपर में 19 पूछ लिया था, लेकिन लगभग यही उसकी सिमेट्री थी हर पोर्शन में। इस 19 से 20 क्वेश्चन में अगर हम देखा जाए कि क्वेश्चन कैसे डिवाइड किया था, तो नंबर सिस्टम जो आपका पहला चैप्टर है मैथ का, उससे करीबन 7 से 8 क्वेश्चन पूछ लिया था, और किसी किसी पेपर में 9 क्वेश्चन पूछ लिया था। तो दोबारा जो आपका पेपर होने जाना है 27 28 में, उसमें एक बार फिर से, क्योंकि पैटर्न वही है, पैटर्न वही पूछेगा आपसे, बहुत ज्यादा जरूरी लगता है नंबर सिस्टम चैप्टर। नंबर सिस्टम चैप्टर को एक बार जो मैंने पढ़ा दिया है क्लास में, जो नोट्स आपके पास हैं उसे फिर से उठा लो, छोटी छोटी पॉइंट सब कुछ रिवाइज कर डालो। कोई ऐसा नहीं है कि वो डेफिनेट एलसीएम एससीएफ से ही पूछे, डेफिनेट प्राइम नंबर से पूछे, पूरा नंबर सिस्टम से उसे कवर करना है। जो पहले पेपर में था मैं बता दूं, एक क्वेश्चन एलसीएम का था लासा, एक क्वेश्चन एससीएफ का था जिसे मासा बोलते हैं, एक क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था बॉड मॉस पे आधारित, है ना, सिंप्लीफिकेशन में ही एक क्वेश्चन डेसिमल का था, एक क्वेश्चन फ्रैक्शन का था, एक क्वेश्चन प्राइम नंबर पे था, और कुछ जो सेट थे उसमें डिविजिबिलिटी के भी क्वेश्चन देखे गए थे। तो ये था उसका पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, किसी में एक दो ज्यादा, 7 8 क्वेश्चन केवल और केवल किससे था, नंबर सिस्टम से था। फिर अगर दोबारा देखा जाए तो एक क्वेश्चन, किसी किसी में 2 क्वेश्चन था रेशियो का था, 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन परसेंटेज का था, दो 1 से 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का था, 1 से 2 ही क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, एक क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का था, समय दूरी चाल, है ना, एक क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से पूछ रहा था, और एक क्वेश्चन एसआई से था, और एक क्वेश्चन सीआई से था। तो ये जो आपके मेजर पोर्शन अर्थमेटिक वाले हैं, मेंसुरेशन को छोड़ दिया है, जैसे इसमें बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, केवल एक क्वेश्चन है, और फिर से आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए, नंबर सिस्टम और आपका अर्थमेटिक जो चैप्टर है, जितने भी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं उसको आप बहुत अच्छे से फिर से रिवाइज करके जाना। मेंसुरेशन ज्योमेट्री ज्योमेट्री तो एकदम बहुत ध्यान मत देना, एकदम उसे मान के चलो कि भाई मैं कह रहा हूं कि पूरे 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आ भी जाएगा ज्योमेट्री का, तो बहुत वेराइड पोर्शन है, बहुत लंबा है, डिफरेंट फॉर्मूला डिफरेंट उसके थियरम सबको रटना पड़ेगा, सॉरी ध्यान रखना पड़ेगा, उससे कहीं अच्छा है कि आप अर्थमेटिक में प्रैक्टिस कर लो। ये पोर्शन आपका ज्यादा जा रहा है, आप जितने में मेंसुरेशन और ज्योमेट्री खत्म करोगे उसके आधे समय में आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, वो पोर्शन जितना करोगे उसमें 2 3 क्वेश्चन तैयार होगा, ये करोगे तो इसमें आपका कितना तैयार हो जाएगा, 7 8 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो एग्जाम में सिलेक्शन जो होगा आपकी स्ट्रेटेजी दिला रही है भाई, नॉलेज वो भी यूपीपी के लेवल पे, कॉन्स्टेबल लेवल पे लगभग सबको सेम ही होती है, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, और किसी आप ही में से किसी बीच का सिलेक्शन हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी आपसे ज्यादा अच्छी थी, वो एग्जाम से पहले भी सोच के चला गया था कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, और एग्जाम में पेपर देखने के बाद भी एकदम क्विकली अपनी स्ट्रेटेजी बनाया कि ये पोर्शन मुझे ज्यादा कवर करना है, और जिसकी स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान सबसे अच्छा था उसी का सिलेक्शन हुआ है। भाई जैसे एलसीएम एससीएफ का क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बैठे किसी लोगों को एलसीएम एससीएफ निकालना नहीं आता होगा, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग गलती कर गए, है ना, कुछ लोग का हड़बड़ी में आया ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है एलसीएम का वो भी नहीं आ रहा है, ये आपके एग्जाम टेम्परामेंट को चुनौती देता है। तो ऐसे एकदम पेपर फिर से बहुत बेसिक लेवल का आएगा, लेकिन आपको उसे अच्छे से करना होगा। तो कितने, 7 8 क्वेश्चन इधर हो गए, 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 से 19 क्वेश्चन ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा मैथ का ऐसे पोर्शन में डिवाइड होगा। सॉरी, ठीक है, तो देखते हैं हम एक बार पेपर उठाए पूरा, जो तो
पेपर हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन पूछे थे और क्वेश्चन के लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, है ना। क्या होता है कि कई बार आप कॉन्सेप्ट पे तो जाते हो लेकिन कैलकुलेशन में दिमाग नहीं लगा पाते हो, और जो पेपर आपका यूपीपी का आया था उसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे कैलकुलेशन में भी दिमाग लगाना था। भाई बच्चा स्मार्ट कब होता है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप शुरू से लेके जब तक क्वेश्चन स्टार्ट करो और जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आपका दिमाग बहुत एक्टिव होना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए, जहां पे आप थोड़ा अपना समय बचा पाओ, जहां पे थोड़ा अलग से स्मार्टली कर सको वहीं पे दिमाग लगा दो। अभी मैं पूरा सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा और बताऊंगा कि कहां पे कैसे हम सोच सकते थे जो आप लेंदी कैलकुलेशन करते हो वो भी आसान हो सकता है। भाई जब क्वेश्चन बहुत आसान है तो आप समय कहां बचा सकते हो, जब उसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं कैलकुलेशन में बचा सकते हो, तो थोड़ा हम कैलकुलेशन पे भी आज थोड़ा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले पहला सेट उठाते हैं आपके सामने, और जो ये पहला सेट है 18/6/2018 की प्रथम पाली में आयोजित हुआ था, ठीक है ना। पहला दिन पहला शिफ्ट है ना, फर्स्ट शो। कितने लोग का पढ़ा था, है फर्स्ट शो था, चलो किस्मत वाले हो, बहुत कम लोगों को टिकट मिलता है। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, आ जाओ भाई आ जाओ, बैठ जाओ जल्दी जल्दी है? हाँ हम केवल मैथ का पोर्शन देखेंगे, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता इसमें इसमें शुरुआत के क्वेश्चन तो जिस सेट में मेरे पास है इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, रीजनिंग के टॉपिक आपको आशीष सर बता देंगे। जो पहला मैथ का क्वेश्चन है वो मिला है 93 क्वेश्चन नंबर, और इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया हुआ है। क्वेश्चन दे रहा है कि 1225 2025 2525 और 4225 में कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही थी, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें आपको क्विकली दिमाग कहाँ लगाना था, बहुत सारे बच्चे भाई होते हैं ना, बहुत सारे लोग बताते हैं ये ट्रिक है आपका स्क्वायर रूट निकालने का, वो ट्रिक है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत बेसिक सा दिमाग लगाना था, आप देख रहे हो कि सारे नंबर के एंड में 25 है, सारे नंबर के एंड में 25 है, तो जाहिर सी बात है जो ये नंबर जिसका स्क्वायर होगा उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 5 होगा, ये तो निश्चित हो गई। हम कोई भी नंबर ऐसा देखे हैं जिसका स्क्वायर रूट अगर यूनिट डिजिट पे 5 है उसका स्क्वायर लिया जाए तो उसके अंत में 25 ही आता है कि नहीं आता है। फिर हम कैसे चेक करेंगे, भाई हम इन दो डिजिट पे ध्यान देंगे, कोई भी अभी मैं बोलूं कि 15 का स्क्वायर क्या होगा तो आपने सीखा था कि अगर ये ऐसा है यूनिट डिजिट पे 5 मिलता है तो हम 25 पहले लिख लेंगे, और उसके बाद ये जो संख्या होती है वो n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 1 × 2 = 225, मतलब कि जो इससे छोड़ के आगे वाली संख्या होती है वो n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में हमेशा होती है कि नहीं होती है। अभी 25 का स्क्वायर बनाना हो तो आप क्या करोगे, 25 सीधा लिख लोगे, है ना, और जो बच्चा इस वाले संख्या का n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में कर लेंगे तो n की वैल्यू 2, n प्लस 1 की वैल्यू 3, 3 × 2 = 6 कितना हो जाएगा, 6, यानी 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625। कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 हो उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, मान लो कि 55 निकालना है तो 55 का क्या हो जाएगा, 25 × 5 = 30, ये हमारा होगा क्या, इसका स्क्वायर। तो यही कॉन्सेप्ट उल्टे ढंग से इस क्वेश्चन में हमें लगाना था, ये 25 जैसे हमने देखा हमें समझ में आ गया नंबर जो होगी उसके यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, और अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो स्क्वायर तभी बनेगा जब वो नंबर n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में होगी 25 को छोड़ के। ये n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में है, अगर 12 को ध्यान से देखा जाए तो ये लिखा है 3 × 4 n इंटू एन प्लस 1, यानी ये तो पक्का किसी ना किसी का स्क्वायर है। इस संख्या का देखो 20, ये भी लिखा है 4 × 5, यानी ये भी किसी ना किसी का तो स्क्वायर है। 25 है क्या, 25 को 5 × 5 ही लिख सकते हो, n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, मतलब यही वाला जो ऑप्शन था वो नहीं होगा। बस तो ऐसे क्वेश्चन में हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हम सोच की मुश्किल से 2-3 सेकंड में ये क्वेश्चन कर सकते थे। आगे बात समझ में सबको, कि दोबारा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो हम कौन सा इसमें लॉजिक लगाएंगे, समझ में आ गया, बस
समझ लो कि कोई भी संख्या अगर उसकी यूनिट डिजिट पे 5 है उसका स्क्वायर निकालना है, हो सकता है कि कुछ और चेंज हो, तब भी हमें यही दिमाग लगाना है भाई। हम यूनिट डिजिट पे सबसे पहले स्क्वायर अगर आता है, स्क्वायर या स्क्वायर रूट की बात, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए यूनिट डिजिट पे चल रहा कोई नंबर। और यूनिट डिजिट कौन सा पड़े नंबर सिस्टम में, है ना, तो आप जान गए होगे कि स्क्वायर होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, क्यूब होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट को अगर ध्यान दे लोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। बाकी आप गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ तो फिर से वही सामदान दंडवेद कुछ भी खेल जाओ, लेकिन आप सही से सही उसे उत्तर दो। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 94 है, मिटा दो इसे, रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये था कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, इन चार ऑप्शन में हमें ढूंढना था कि कौन सा स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर पता लगाने के लिए हम देख रहे हैं कि भाई जैसे ऑप्शन देखे, पहले ही ऑप्शन में हमें मतलब सब में दिख गया कि 25 25 25 है, तो सबसे पहले दिमाग में आइडिया क्लिक करना चाहिए ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसके अंत में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और हम एक कॉन्सेप्ट बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 है, तो हम सबसे पहले 25 लिख लेंगे और उसके आगे के जो डिजिट होंगी वो एन इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में मिलेगी। तो एन इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में अगर हम चेक किए तो ये नंबर है 3 × 4 20 है, तो 4 × 5 25 ही नहीं मिल रहा था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है, लिख लो सभी लोग चाहो तो। क्वेश्चन कह रहा है 60/5 गुणे 16 -8 और इस पूरे पे 12 2 3। आगे बात समझ में। ये क्वेश्चन है आपका और इसका सिंप्लीफिकेशन पूछा था। नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने पढ़ा कि ऐसे सारे क्वेश्चन बॉडमॉस पे होते हैं, क्योंकि बार भी लगा है तो हम इसे देखे थे कि ये बी बॉडमॉस पे लगता है। ये सभी को याद है कि नहीं याद है, सभी को मालूम है ना। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं ध्यान रखना, आप लोग फिर से मैं वही बात बोलूंगा भाई, फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप में आपको आते रहे होंगे, 99% बच्चे इस आंसर का जवाब नहीं दे पाएंगे, 99% हुए फेल, क्या आप होंगे पास, ऐसा देता है ना एक इमेज बना के और वहीं पे गलती करते हैं। उन सारे क्वेश्चन में ट्रिक जानते हो कहां छुपी होती है, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन में। बहुत जगह आप पढ़े भी होंगे और बहुत लोग आपको बताए भी होंगे कि डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन का जो प्रायोरिटी होता है वो सेम होता है, आप चाहे मल्टीप्लीकेशन कर लो चाहे डिवाइड कर लो, लेकिन जब क्वेश्चन इस फॉर्मेट में लिखा होता है तो ध्यान रखो सबसे पहले डिवाइड ही करो। क्यों, अभी मैं आपसे बोलूं कि 2/5 × 4, समझना इस क्वेश्चन को, आप अगर ये दिमाग में पल रहा होगा कि डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन का सेम है तो आप बोलेंगे 5 × 20 और 2/20 यानी कि 1/10 ऐसे कर सकते हो, लेकिन कायदे से ये क्या लिखा है, ये लिखा है 2/5 × 4। इस 4 का गुणा 5 में ना होके इस 4 का गुणा कहां पे हो रहा है, 2 में हो रहा है, और इसीलिए 99% फेल हो जाते हैं, है ना, क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं होता है। तो यही लॉजिक आपके इस क्वेश्चन में भी थी, यही आपको बचाना था वहां पे। अब सबसे पहले वी वॉट मास के हिसाब से सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बार, बार को अगर सॉल्व करेंगे तो 16 - 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8/2, अभी भी ये ब्रैकेट बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसके बाद सबसे पहले हम ब्रैकेट करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जैसे आएंगे उसमें हमें डिवीजन मिलेगा, और डिवीजन सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, और जैसे 4 आ जाएगा आपका ब्रैकेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा, इसका 4, इसका 4 आया ना ब्रैकेट के अंदर जो था। अभी फिर से देखेंगे, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, अब ये देखो ये सिचुएशन आ गई ना 99% फेल वाली है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे, पहले भाग करेंगे, तो 60/5 = 12, 12 × 4/3, जब एकदम बराबर आ जाए, तभी दिमाग लगाना पहले डिवाइड करना है। जैसे देखो यहाँ भी डिवाइड था, यहाँ भी डिवाइड था, अब मैं चाहूं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो भाई 12 × 4/3 ये लिखा है, मैं पहले मल्टीप्लाई कर लूं फिर डिवाइड करूं, बात तो वही है ना। तो अब यहाँ पे वो सिचुएशन आ गई कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का प्रायोरिटी सेम होता है, लेकिन अगर पहले डिवाइड है तो हम पहले डिवाइड ही करेंगे,
ऐसा एकदम दिमाग में बिठा लो ना, गलती करके आप आओगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, और पूरे का आंसर आ जाएगा 16। और किसी ने अभी मुझसे बोला 24, क्यों 24? उसी लिए 99% फेल वाले से है ना। आगे बात समझ में, 24 नहीं आएगा, क्या आएगा इसका उत्तर? 16 आएगा। तो ऐसी गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करना है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक का मतलब ये कि आपको छोटे छोटे पॉइंट भी क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या पॉइंट था कि अगर डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन जस्ट बगल बगल आ जाएं तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? डिवीजन को दोगे। आगे बात समझ में, भाग पहले करोगे और गुणा बाद में करोगे, तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उतार लो फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है? समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। और भाई क्वेश्चन भी क्या दिया है, देख लो। अब क्वेश्चन को अगर बोला जाए तो कोई औकात नहीं। क्वेश्चन की कोई औकात होती है क्या? कभी नहीं होती। कौन बोला होती है? क्वेश्चन की औकात मतलब आपकी औकात कम है ना। ये बोल रहा है, ये तो छोटा सा समीकरण है और इसे बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ, है ना, यही तो पूछ रहा है। अब इसे कौन निकल देगा भाई, जोड़ ही तो करना है। एक बार देखते हैं, ऑप्शन ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 19.62। भाई हमें सामदान डंडबे सब खेलना है, कहां पे हम समय बचा सकते हैं। फिर क्या दिया है, 19.72, और डी ऑप्शन दिया है 18.52। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिया है। अभी देखो दशमलव के दो ही अंक बाद सब में है, इसका मतलब इसमें कुछ चेंज होने हमें करना नहीं है। सीधा यूनिट डिजिट जोड़ो, 1, 4 और 7, सबसे लास्ट वाली 1, 4, 7, 7, 4, 11, 1, 12, लास्ट में 2 सबके है ना। लेकिन एक कैरी आया है, ध्यान रखना, 5, 2, 7, 8, 7, 15, 15, 1, 16, ये दो ऑप्शन तो फटाक से कट गए। एक कैरी फिर से आया है, अब आओ इसमें जोड़ लो, जाहिर सी बात है 9, 6, 15, 15, 3, 18, 1, 19, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप डायरेक्ट जोड़ लो, लगभग लगभग समय 1-2 सेकंड का आएगा फर्क, और 1-2 सेकंड में कुछ नहीं बिगड़ने जा रहा। आगे बात समझ में आपकी, कैरी क्या, अगर आप इसे जोड़ोगे, कहने का मतलब कि सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट जोड़ लो, चेक करते चलना है आपको, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट पे 2 ही था तो उससे हमें कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। लेकिन वहां से कैरी आया तो 5, 2, 7 और 8, 8, 16, 16, और एक कैरी आएगा तो कितना हो जाएगा 17, तो 17 का 7 आएगा, इसका मतलब बाकी ऑप्शन आपका, सॉरी कितना है, 15, 15, 1, 16, तो बाकी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर? नहीं क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, विकल्प क्या है, पहले तो दिया है 4/5 और 2/3 के बीच अंतर पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है बताओ, कुछ है क्या? कुछ नहीं है। इसका अंतर मतलब 4/5 - 2/3 को घटा देना है। दोनों क्या कर लो, एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 10, यानी 2/15, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको तो यूपी में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। बोल रहा है क्वेश्चन 30, 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF क्या होगा 30, 60 और 72। किस मेथड से कर लेंगे, किसी से भी कर लो, फैक्टराइज मेथड ही कर लो। भाई देखो, आपको इसमें ये लिखा है 3×10, ये लिखा है 6×10 और ये लिखा है 9×8। इसे फिर से तोड़ो तो 3×2×5, इसे तोड़ो 2×3×2×5 और इसे तोड़ो 3×3×2×2×2, यही तो फैक्टराइज है। क्या कॉमन है, 3 सब में कॉमन है, हैं? 1, 2 भी सब में कॉमन है, 5, 6 सब में कॉमन, अब कुछ नहीं कॉमन है, तो क्या कॉमन मिला, 6 सब में कॉमन मिला, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15, 30, 24 का लासा निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 15, 30 और 24 LCM। भाई आप कुछ भी कर सकते हो, बड़े वाले का गुणा करना शुरू कर दो,
ऐसे प्रोसेस से निकाल सकते हो या ओल्ड स्कूल मेथड से निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं, आओ ओल्ड स्कूल मेथड से देख लेते हैं। 15, 30, 24 यही है। सबसे पहले सभी तीन से कटते हुए दिख रहे हैं, है ना? पांच से पहले निकाल लो, अभी दो से, अब चार बचा, यानी पांच से ही 15 और 15 8 120। सभी का आपस में गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका उत्तर 120। इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? कुछ नहीं था, बस आपको पेशेंस बना के टेम्परामेंट को कूल करके करना था। बहुत लोग का हाथ पैर ढीला हो गया, पैर के तरफ से जमीन निकल गई, एलसीएम नहीं निकाल पाए, हैं? बताते बताते मर गए कि बेटा देखो एलसीएम ऐसे निकलेगा, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, इतना आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, वो भी अननेसेसरी। ऐसा लगता है कि अब ये कुंभ का मेला है, अब 12 साल बाद ही एग्जाम आने वाला है। नहीं मालूम है आपको कि अभी फिर कैंसिल होगा, अभी 2 महीने बाद यही पेपर फिर होना है। भाई ये उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पे एक पेपर जब तक 5-6 बार नहीं हो जाता है तब तक चैन कहाँ पड़ता है? पड़ता है तब एकदम निश्चिंत हो गया, एकदम फ्री हो गया, मूल माचो की तरह बड़े आराम से पेपर देने जाओ। कूल टेम्परामेंट करके करो, जितना ही आप पेपर में कूल लोगे पेपर आपका उतने अच्छा जाने वाला है। आप घबराओगे तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी। बोल रहा है कि 21 चॉकलेट रेशियो चैप्टर का सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कंपैरिजन बेस्ड था। टोटल चॉकलेट है 21, इसे 5:2 के अनुपात में बांटा जा रहा है। बोल रहा है कि तो छोटे हिस्से में कितना चॉकलेट आएगा। भाई 5:2:7, 7:21, तो 1:3, तो 2:6 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बताओ इतना आसान सा था, है? अभी मतलब बच्चे पेपर देखे तो कहीं ये क्या क्वेश्चन पूछा, हम भी सिपाही बन जाएं। चलो ठीक है, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, महिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिम द्वारा प्राप्त किए अंकों का प्रतिशत है, मतलब फिर परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन उठाया तो सबसे बेसिक। बोल रहा है कि 126 बटे 175 गुणे 100 क्या होगा। यही तो हो रहा है, 175 पूर्णांक में से 126 पा रहा है तो उसका प्रतिशत क्या बन रहा है। आपको केवल यह कैलकुलेशन करने दे। अब कैलकुलेशन जिसकी जितनी तेज वो उतनी ही जल्दी इसको आगे करके बढ़ जाएगा। कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन? करने की जरूरत तो नहीं है कि सिंप्लीफाई करें इसे, कोई जरूरत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने, 35 का 12% क्या होगा, मतलब इजीएस्ट 35 का 12%। तो भाई कैसे करते हैं, 12/100 × 35, यही तो कहते हैं, है ना? निकालो इसका क्या हो जाएगा बताओ। अरे 3.5 सीधा 10% और 7 और 4.2 कितना आ जाएगा, 4.2 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना? चलो, रमेश एक वस्तु 434 में बेचकर, अगला क्वेश्चन है, रमेश एक वस्तु 434 में बेचकर 24% लाभ कमाता है, रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना एक बार, बोल रहा है 434 में बेचकर, मतलब इसका विक्रय मूल्य SP है ये, है ना? जल्दी आ जाओ, इसका SP दिया हुआ है 434, और बोल रहा है इस SP पे इसे 24% का फायदा हुआ है, यानी कि 434 बराबर कितना, 124%। पूछ क्या रहा है आपसे, CP पूछ रहा है, तो CP अपने आप में कितना होता है, 100%। 124% बराबर 434, तो 100% बराबर 434/124×100, ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा था। कर लोगे नहीं कर पाओगे, कैलकुलेशन करें, रहने दें, 350 आएगा इसका उत्तर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। बोल रहा है
12% की छूट के बाद एक खिलौना 123 में बेचा गया था, ठीक है। फिर बोल रहा है खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। भाई डिस्काउंट का क्वेश्चन है और फिर से क्या है सबसे बेसिक, बोल रहा है बेचा गया है 123 रुपए में, लेकिन कब, जब 12% छूट दे दी गई है। तो अगर 12% की छूट दे दी गई है तो एसपी कितने पे आके गिरेगी, 88% पे। यानी कि जो ये 123 है ये किसके बराबर है, 88% के बराबर है। अंकित मूल्य मतलब सीपी, और सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 100% बराबर आपको निकालना है। एक एक नियम लगाएंगे यूनिटेरी मेथड, 123 बटे 88 गुणे क्या हो जाएगा आपका 100, है ना। और इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, उत्तर। और उत्तर कितना देगा कर लेना। फिर देखो नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 104, 4% वार्षिक साधारण ब्याज, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2500 का 3 साल का ब्याज क्या होगा। एसआई में हमने आपको बताया था कि जो भी आपका रेट है उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका टोटल परसेंटेज गेन आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है। बोल रहा है 4% का रेट है एनुअल, अमाउंट आपका 2500 रुपये था और 3 साल के लिए दिया गया है, तो 1 साल में 4% कमा रहा है तो 3 साल में कितना कमाएगा, 12%। यानी 2500 का 12% ही तो उसका ब्याज होगा, होगा कि नहीं होगा। और पूछ क्या रहा है, ब्याज ही तो पूछ रहा है, तो सीधा 12% 2500 का निकाल लो, 25 गुणे 12 300। यानी कि आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। इजिएस्ट क्वेश्चन था एसआई का, है ना, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 105, फिर से इस बार चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ना, सीआई का क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 का 2 साल का ब्याज क्या होगा। तो मैंने आपको सीआई में एक स्ट्रक्चर सिखाया था, मे भी आपको याद हो, ना याद हो तो फिर से एक बार रिवाइज कर लो। कभी भी जितने भी साल का हो, ए बी सी बी, मैक्सिमम 3 साल का ही आपसे किसी भी एग्जाम में पूछेगा, आपको 4-5 साल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर 4 साल या 5 साल का पूछ लेता है तो आप पहले से मान जाओ कि ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा लेंदी जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन को सबसे एंड में करो, सबसे एंड में करने से आप अपना अननेसेसरी टाइम क्या कर लोगे, बचा लोगे। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 4-5 क्वेश्चन का लॉस नहीं करोगे अगर 4 साल या 5 साल पे सीआई का क्वेश्चन जाता है, ठीक है ना। अगर 3 साल तक आता है तो आपको इस बेसिक स्ट्रक्चर पे कर लेना है। ये जो ए ए है ये कुछ नहीं, ये एसआई होता है, और ये जो बी सी बी है ये एसआई और सीआई के बीच में अंतर होता है, और इन सबको मिला लिया जाए तो क्या होता है, सीआई मिल जाता है। तो अभी केवल 2 साल तक है भाई, 1 साल तक केवल इतना, 2 साल तक केवल इतना, 3 साल तक ये इतना, तो केवल वो 2 साल की बात कर रहा है। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ए और ए बी, कितना रेट है, ये जो ये दिया है ये रेट होना चाहिए। तो इसका है ए की वैल्यू 10, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10, और जो बी होता है इसी का रेट होता है, तो 10 का 10% 1, यानी टोटल ब्याज आपको कितना मिल रहा है, 20, 1, 21। और टोटल अगर आपको 21 मिल रहा है ब्याज, कितने पे मिल रहा है, 1400, तो 1400 का 21% कितना हो जाएगा, 294। आ गया समझ में, नहीं समझ में आया, ठीक, तो 294 उत्तर आ जाएगा। 1400 का 21% कर लो, 14 गुणे 21, है ना, गुणा करोगे तो वही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, बढ़े आगे, तो दिक्कत तो नहीं, तेज तो नहीं जा रहे बहुत, है ना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, क्योंकि आपके यूपीपी के पेपर में हो सकता है फिर से इससे मुलाकात हो जाए, और वहां पे ऐसा ना हो कि आप कोई कॉन्सेप्ट मिस कर जाओ। सीआई का कॉन्सेप्ट थोड़ा आपके लिए, कुछ लोगों के लिए एकदम नया होगा, तो आप देख लेना, कोई भी स्ट्रक्चर में फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, सर यहीं पे आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ, थोड़ा देखना सीआई का।
ए ए बी, ये होता है 2 साल का। मान लो कि 10% रेट है, अगर हमें क्या आ जाएगा बी, आगे बात समझ में। तो अगर इन सबको जोड़ लिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, सी आई मिल जाएगा। केवल इनको जोड़ा जाए तो क्या मिलेगा, एस आई मिलेगा। और जो पार्ट है ये हमारा सी आई और एस आई के बीच में क्या होगा, अंतर हो जाएगा। क्लियर? अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दे देता है कि 2 साल के एस आई और 2 साल के सी आई के बीच इतना अंतर है, तो आपसे पूछ लेगा मूलधन कितना होगा, रेट दिया होगा। तो आप इसी स्ट्रक्चर से सॉल्व कर लो भाई, अंतर कितना मिल रहा है, बी सी बी सी बी है ना, यही मिल रहा है। तो इन्हीं सभी को जोड़ के वो संतर से कंपैरिजन कर लोगे, आपका आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा। क्लियर? आपको कंपैरिजन आना चाहिए, हम नेक्स्ट क्लास में कभी देख लेंगे उस क्वेश्चन को। हालांकि आपके यूपीपी में पूछना कोई इतना वो नहीं है अंतर वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, 106। और 106 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 105 था, 106 है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बोल रहा है रवि और रश्मि के क्रमशः ने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए एक व्यापार में निवेश किए। कितने रुपए किए हैं, 150 और 200 रुपए। लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रसिम के बीच में 1:2 के अनुपात में साझा किया जाए तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले थे। अभी देखो, दोनों ने बिजनेस जो है वो एक साथ ही व्यापार शुरू किए, क्वेश्चन तो ये कह रहा है दोनों एक साथ व्यापार शुरू करते हैं, दो लोग हैं, रवि हैं और रशिम है, जो भी हो कोई भी, कोई मतलब नहीं उससे, है ना। दो लोग हैं और दोनों लोग एक साथ व्यापार कर रहे हैं, एक ने 150 रुपए लगाया है और एक ने 200 रुपए लगाया है। पार्टनरशिप क्वेश्चन का पहला जो कॉन्सेप्ट है ये होता है कि जो उनकी प्रॉफिट होगी उनके द्वारा निवेश किए गए धन के अनुपात के अनुसार होगी, है ना। मतलब जो वो प्रॉफिट करेंगे वो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किए होंगे उसी रेशियो में उनकी प्रॉफिट डिवाइड होगी। और इन्वेस्टमेंट केवल और केवल रुपए से नहीं निर्धारित किया जाता है, कितना रुपया और कितने डेफिनेट टाइम के लिए आप कैपिटल लगा रखे हो उससे आपका निवेश कैलकुलेट होता है। तो भाई रवि और रसिम 150 और 200 रुपए लगाए थे, इसने बीच में रुपए निकाल लिए हैं, रवि यही तो लाइन कह रहा है। लेकिन रवि ने कुछ महीनों के बाद अपना पैसा वापस ले लिया और यही पूछ रहा है कि कितने महीने बाद। तो मान ले कि ये एक्स महीने तक पैसा लगाया था और ये फुल टाइम लगाया है, तो इसका मतलब ये कितने महीने तक लगाया रहेगा, 12 महीने तक। और इन दोनों का गुणा ही कुल उसका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसका इन्वेस्टमेंट कितना, 150x, इसका इन्वेस्टमेंट कितना, 200 × 12। और इसी रेशियो में ये अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो इनके जो प्रॉफिट का अनुपात है वो क्या दिया हुआ है, 1:2। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई, इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे आप लोग, कर लोगे, 0 0 इसे काट दो, 5 × 20, 5 × 15, 3 × 12, 1/16 इधर है एक्स, एक्स बटे 16 बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा 8, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 8। मतलब कि 8 महीने के बाद रवि ने अपना पैसा वापस ले लिया। क्लियर? तो पार्टनरशिप के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि निवेश के अनुसार ही, निवेश के रेशियो में ही, कैपिटल के या इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही उसका प्रॉफिट क्या होगा, उसका रेशियो सेम होगा। प्रॉफिट जो डिवाइड होगी इन्वेस्टमेंट के रेशियो के हिसाब से ही डिवाइड होगी। और इन्वेस्टमेंट क्या होगा, टोटल अमाउंट और टोटल टाइम। अगर टाइम नहीं दिया है तो आप केवल अमाउंट कर लो, और अगर टाइम की बात कर लिया है तो टाइम और अमाउंट का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। आगे बात समझ में, बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसका यही। क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है देखते हैं, क्या हुआ भाई, नींद आने लगी है? ऐसे सो जाओगे? हाँ, क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है 18,27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या कौन सी है, 18, 27 और कोई संख्या मान लो x है, इसका सभी का जो औसत दिया है वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। तो औसत के चैप्टर में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये एक ऐसा परिवार है
जहां पे सभी भाई एक बराबर नजर से देखे जाते हैं। बराबर नजर से देखे जाने का मतलब अगर 30 अनुपात है, सॉरी 30 अगर एवरेज है तो इसकी वैल्यू भी 30 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 30 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी 30 होनी चाहिए। लेकिन ये तो 18 है, अगर ये 18 है तो 30 से कितना कम है? 12 कम है। अगर ये 27 है तो 30 से कितना कम है? 3 कम है। तो ये जो कमी है ये कहां होगा? इधर ही तो होगा। तो हम इसे 30 तो मानेंगे ही, 30 में 15 और जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो औसत जो चैप्टर है एवरेज का, उसमें केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जितने भी लोग होंगे सबको एक नजरिए से देखा जाएगा। अगर औसत 30 कह रहा है इसका मतलब सभी की वैल्यू 30 होनी चाहिए। कम ज्यादा हम अपने हिसाब से देख लेंगे और वो दूसरे में जोड़ देंगे। आगे बात समझ में नहीं आई? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आना शुरू हुआ है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन। क्या कह रहा है? व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? मैंने क्या बोला था आपसे क्लास में कराते समय? जब जब एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करना है तो सीधा बोलेगा ए किसी काम को इतने दिन में कर लेता है, बी किसी काम को इतने दिन में कर लेता है, दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे। और वही कहानी यहाँ पे क्या हो गई? रिपीट हो गई, है ना। दो लोगों का दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, तो क्या होगा? ए कितने दिन में कर ले रहा है? पहला व्यक्ति ए है 48 मिनट में, बी कितने मिनट में कर ले रहा है? 60 मिनट में। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 240। ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, मतलब इसकी कार्य क्षमता 5 है, इसकी कार्य क्षमता 4 है। दोनों की 7 कार्य क्षमता कितनी है? 9। यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा? 240। कुल कार्य बटे कुल कार्य क्षमता 240/9, या इसे मैं बोल सकता हूं अगर 3 से काटा जाए तो 80/3, और अब इसे 26 सही 2/3, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नहीं, जब मिनट में ही है तो मिनट में ही कर लेंगे, हमें उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट में दिया होता, दूसरा घंटे में दिया होता तो एक बार हम सोच सकते थे, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ दिया नहीं है। अगर मिनट तो एक बात बताओ, अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा लगा कि वो क्लास में ना कराया गया हो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना। हर क्वेश्चन आपके उसी नोट से होंगे जो आप क्लास में बना रहे हो, क्लियर। और अगर आप उसे एग्जाम में जाने से पहले 5 मिनट भी बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, हर चैप्टर पे मुश्किल से 5 से 10 मिनट दे लेते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए एकदम एडवाइस है कि क्लास में जो नोट्स है वो बहुत अच्छे से बनाओ और उसे रिवाइज करके जाओ, क्योंकि वहीं पे सारा कॉन्सेप्ट है और वही आप में एग्जाम में आना है। थोड़ा बहुत चेंज करेगा तो भगवान ने उसके लिए 1350 ग्राम दिमाग सबको दिए हैं, है ना। 1300 सब यूज करते हो, 50 ग्राम जो ज्यादा यूज कर लेता है उसी का सिलेक्शन हो जाता है, क्यों? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 109, है ना। अच्छा, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था वो 26 मिनट 40 सेकंड दिया हुआ था, है ना। जो ऑप्शन था वो मिनट और सेकंड में दिया हुआ था। तो ये जो 2/3 है, ये मिनट है ना, इस 2/3 को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मिनट से सेकंड में आएंगे तो 60 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 20, तो 20 × 40 यानी 26 मिनट 40 सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राजेश 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल चला सकता है, वह परिवहन के दोनों तरीकों के संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकंड लेता है, है ना। 600 मीटर की दूरी कितना सेकंड लिया? 45 सेकंड लिया। राजेश ने साइकिल कितने देर तक चलाई? ये क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुका हूं आपसे, करवा चुका हूं कि नहीं, किसे याद? 15। देखो
एक तरफ वो साइकिल से जा रहा है, ठीक, और दूसरी तरफ पैदल से आ रहा है। आगे बात समझ में? अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से पैदल चल रहा है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से साइकिल से चल रहा है। भाई दो तरीके से इसे लगा सकते हैं, क्या हो रहा है? चलो, एक तो इसे हम एलिगेशन पे लगा सकते हैं, एलिगेशन पे लगा सकते हैं। एक तरफ स्पीड कितनी दी हुई है? 5, एक तरफ दी हुई है 20, और 2 600 मीटर की दूरी अगर 45 सेकंड में ये तय कर लेता है तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 600 बटे 45 सही तो होगी, है ना? यानी कि किसे कटेगा? 15 3 45, 15 चौके 60, 40 बटे 3, है ना? निकाल लो कितना आएगा इसमें से। अगर इसे माइनस करें तो 60 माइनस 40 यानी कि 20 बटे 3, और इसमें से इसे माइनस करें तो 40 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 25 बटे 3, यानी कि 20:25 का रेशियो आ जाएगा, है ना? हाँ, 20 बटे 20 इधर आएगा। हाँ देखो, एक मिनट, अगर हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो इधर लिखेंगे, सही बोल लो, तो ये 20 बटे 3 आएगा, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये 25 बटे 3 आएगा, यानी कि दोनों का रेशियो होगा 25 और 20, यानी 5:4। ये हमारे स्पीड का रेशियो है। और पूछ क्या है? पूछ रहा है कि राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई, तो साइकिल वाला ये है ना, टोटल कितना है? 9 है, तो 5 बटे 9 और उसे टोटल डिस्टेंस से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन पे लगा सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, 110 क्या कह रहा है? एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि लंबाई 20% और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है, जबकि ऊंचाई 25% कम हो जाती है, तो कमरे की चार दीवारों का कुल क्षेत्रफल, इसके लिए अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ था, अभी देखते हैं को क्या कह रहा है। कि एक कमरा है भाई, कमरा किस शेप का होगा? क्यूबॉइडल होगा, घनाभ का, है ना? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, और क्या होगा? ऊंचाई होगा। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:4:2। बोल रहा है कि यदि लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, बढ़ाई गई है, तो 5 में 20% मतलब 1 बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना? फिर बोल रहा है कि जो चौड़ाई है वो 25% बढ़ जा रही है, 4 का भी 25% 1 होगा, ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है जो हाइट है इसकी, ऊंचाई है, वो कितने परसेंट कम हो जा रही है? 25% कम कर दी जा रही है। तो अगर इसे 25% कम की जाएगी तो 2 का 25% कितना? आधा है, 1/2 ना, 2 का 1/4। अगर आधा इसमें कम कर दिया जाए तो बचेगा कितना? 1.5। और अगर 1.5 बचता है तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 6:5:1.5। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि तो कमरे की चार दीवारों का कुल क्षेत्रफल, चार दीवारों की बात किया है, ये मान लो कोई कमरा है, तो कमरा का ये जो चार दीवार है इसका क्षेत्रफल, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 L + B × H, या हम ऐसे सोच सकते हैं भाई अगर सामने वाली दीवार निकालना होगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये मान लो उसकी चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, तो क्या हो जाएगा? B × H, और जो वो क्षेत्रफल होगा सामने वाली दीवार का, वही इस सामने दीवार का होगा, तो कुल इसका कितना हो जाएगा? 2 × B × H। ठीक ऐसे इस वाले का क्या हो जाएगा? अगर ये लंबाई है और ये ऊंचाई है तो इस दीवार का क्षेत्रफल कितना मिलेगा? लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी L × H। और जैसे ही इस कमरे का होगा, इस दीवार का क्षेत्रफल होगा, ठीक उतना ही क्षेत्रफल इस दीवार का होगा, तो इसमें हम कर देंगे क्या? 2 का गुणा, और सभी को जोड़ देंगे तभी तो आएगा पूरे इस चार दीवार का क्षेत्रफल, है ना?
तो क्या हो जाएगा, इसे इसे जोड़ा जाए तो 2BH प्लस 2LH, 2 और H कॉमन है तो क्या हो जाएगा B प्लस L, यानी 2 गुणे ऊंचाई और चौड़ाई और लंबाई को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या आ जाता है फॉर्मूला, ये आ जाता है। अभी क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला है जो चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन पहले देखो, बोले प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाता है, कम होने की बात कर रहा है, मतलब जो इनिशियल एरिया थी उसका 1/12 कम हो जाता है। ऑप्शन बी है प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/5 बढ़ जाएगा, इनिशियल जो एरिया है उसका 1/5 बढ़ जाएगा। सी जो ऑप्शन है उसमें दिया है प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मोर। और चौथा जो ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि 1/5 कम हो जाएगा। ये चार ऑप्शन आपको दिए थे, मतलब इसके बाद भी अभी ये तंग नहीं आया, अभी आपसे क्या कराना है, कंपैरिजन कराना है। तो देखो सीएल एरिया कितनी थी, इनिशियल रेशियो आपका ये था ना, इनिशियल रेशियो अगर ये था तो इसी में फॉर्मूला लगाओ, तो गुड़े ऊंचाई कितनी है 2 और वो कितना हो जाएगा 5 4 9, यही तो मिलेगा क्यों। अब इसका निकालो, ये कितना हो जाएगा 2 × 1.5 और ये क्या हो जाएगा 6 5 11, ये इनिशियल एरिया, ये फाइनल एरिया देख, 2 × 4 9 30 और ये 3 5 11 33, पहले 36 था अभी 33 हो गया। तो एक बात तो समझ में आ रही कि एरिया क्या हो गया है, कम हो गया है, यानी कि मोर वाले दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, तुरंत ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे। अभी आपका या तो ये बचा या तो ये बचा, तो 1/2 कम हो रहा है, 12 कम हो रहा है कि 1/5 कम हो रहा है, ऐसे चेक करेंगे, पहले 36 था अभी 33 कम कितना हुआ 36 के आएगा 1/2, यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा आपका टाइम टेकिंग था, इस क्वेश्चन में मेंसुरेशन प्लस रेशियो प्लस परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगा था, ठीक है ना, उसके बाद सब कुछ करा के लास्ट में क्या करा लिया आपसे, कंपैरिजन करवा लिया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है ना सबको, ऐसा क्वेश्चन आएगा दोबारा कर लोगे। याद रखना कि किसी घन चार दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, निकलते चलना 2 × HL + B, चार दीवारों का क्षेत्रफल, और पूरे का कितना होता है LB + BH + HL, एरिया की बात कर रहा हूं, सरफेस एरिया की है ना। वॉल्यूम क्या होता है L × B × H, सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आगे बात समझ में, ये नोट कर लेना। क्यूब क्या क्या होता है A × A × A, वॉल्यूम यानी कि A क्यूब, एरिया क्या होता है चार दीवारों का एरिया 4A² और टोटल एरिया यानी 6 का 6A² तो ये क्यूब के लिए है और ये क्यूबॉइड के लिए है, साथ में लिखते ना हो तो चल लेना, मे भी अगर पूछेगा तो इससे ज्यादा कहीं कुछ पूछेगा नहीं, है ना। नोट कर लेना अभी। देखो मैं हमेशा बता दे रहा हूं कि आपसे यूपीपी में जो क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही बेसिक स्तर का पूछेगा, आप अपना बेसिक स्ट्रांग करके जाइए बहुत ज्यादा। हाँ, वो क्यूब है घन और ये क्या है घनाब है, भाई क्यूब में क्या होता है, सारी जितने भी दीवाले हैं चाहे छत हो चाहे फ्लोर हो सब बराबर होगा, नहीं देखो सॉरी, हाँ यहाँ पे 2 × LB + BH + HL होता है, सॉरी है ना, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, सही बात है, बहुत बढ़िया, 2 × LB + BH × HL होता है। हाँ आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, क्विहिन और प्रणब किसी कार्य को
अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ठीक, कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों ने बारी बारी तक एक एक मिनट काम किया। क्वेश्चन कौन सा है? अल्टरनेटिव का। आगे बात समझ में? हमने जो क्वेश्चन क्लास में किया था नेटिव वाला, जिसमें एक हम साइकिल बनाते थे और उसके करीब जाते थे। तो दो लड़के हैं, तुहिन और प्रणव है, एक 42 मिनट में कर ले रहा है, एक 70 मिनट में कर ले रहा है, और काम अल्टरनेट डेज पे कर रहे हैं, बारी बारी कर रहे हैं। काम शुरू करने वाला तुहिन है, आगे लिख रहा है, और ये अभी देखना, केवल अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने का अनुमति है। ये जो लाइन है ये प्लस है, मतलब कि इसका जो लिखना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। बहुत बेसिक सी बात है, अंडरस्टूड है, कि जो लास्ट में काम करेगा उसे हो सकता है कि होल डे काम करने को ना मिले। और हम जितने क्वेश्चन क्लास में करते थे सब में ये देखे थे भाई, कुछ ऐसा क्वेश्चन आंसर था ना 22 सही 1/2, ये जो 1/2 था ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता था कि इसी बात का प्रूफ था कि जो लास्ट वाला कर रहा है उसे पूरा पूरा टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये आपको अननेसेसरी लाइन लिखा है केवल क्वेश्चन को बड़ा दिखाने के लिए और आपके टेम्परामेंट को बिगाड़ने के लिए। अच्छे बच्चे जो थोड़ा स्मार्ट थे वही समझ गए थे कि इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, हमें यार करने का जो प्रोसीजर होगा वो वही होगा जो हम सीखते आए हैं। तो इस क्वेश्चन को करना सीखते हैं। सॉरी, एक लड़का तुहिन है और दूसरा लड़का प्रणव है, एक 42 मिनट में कर ले रहा है और दूसरा 70 मिनट में कर ले रहा है। ठीक, यही है। एलसीएम कितना आएगा? 210 पक्का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। यानी कि इसकी कार्य क्षमता 5 और इसकी कार्य क्षमता 3। अभी क्या बोल रहे, दोनों साथ नहीं काम कर रहे, दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, और काम शुरू करने कौन आया? तुहिन आया। तो सबसे पहले दिन करेगा तुहिन, फिर करेगा प्रणव, फिर करेगा तुहिन, फिर करेगा प्रणव, फिर करेगा तुहिन, फिर करेगा प्रणव, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। पहले दिन काम कितना होगा? 5। दूसरे दिन काम कितना होगा? 3। फिर तीसरे दिन 5, चौथे दिन 3, फिर 5, फिर 3। तो अगर हम देखें तो 2 की साइकिल बन रही है बार बार, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो गया? 8। तो जब स्ट्रक्चर कट रहा होता है तो हम डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हैं, 1 दिन में कितना काम हो जाएगा? 4। यानी कि कुल क्षमता कितनी है? 4 है ना, 1 दिन में किया गया कार्य ही तो कार्य क्षमता कहलाती है। कार्य क्षमता है 4, कार्य किया जाना है 210, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 210/4। और 210/4 यानी कि कुछ कटेगा? कटेगा। 105/2 ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि 52 नहीं आएगा, 2 बच जाएगा ना, 52/5 हाँ। अभी देखो, नहीं, जब अगर ऐसा आ जाता है कि 1 दिन में 4, या तो यह कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, 5 और 3 है ना, ये एलसीएम सही है, 210 है ना, तो एग्जैक्टली आ जाना चाहिए। चलो एक बार देख लेते हैं, 2 दिन में 8 काम हो रहा है, 210 के करीब जाओ, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 26 से। तो अगर 26 से करेंगे तो कितना आएगा? 208। 208 काम हो गया, यहाँ पे भी 26 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 × 52, यानी कि 52 दिन में 208 काम खत्म हो गया है। और अगर 52 दिन में 208 काम खत्म हो जाता है तो काम भी कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, और काम करने वाला कौन होगा? टी होगा। हाँ सही बात है। तो अगर 2 काम बच रहा है तो काम करने वाला होगा ये, यानी कि 52 सही 2/5, यानी कि 52 मिनट, ये मिनट ही था ना, हाँ 52 मिनट, और इस मिनट को हम क्या कर लेंगे? सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 2/5 × 60 यानी कि 12। तो 52 मिनट
और 24 सेकेंड। देखो एक बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, जैसे गलतियां अभी देखो क्या हो रही थी, यहां पे दो मिनट है ना, दिन नहीं है मिनट है, 2 मिनट में कितना आया था, 8 आया था है ना। जब हम ऐसे किए कि 1 मिनट में 4 वर्ग है ना, तो इसका मतलब ये कार्य क्षमता है ठीक, और टोटल वर्क को टोटल कार्य क्षमता से किए तो हमारा उत्तर क्या हो गया था, तुरंत गलत हो गया था। इसीलिए मैं बोलता कि जब ऐसे क्वेश्चन आया करें तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो किया करो, ये स्ट्रक्चर मत फॉलो किया करो। इसका कोई सर्टेन नहीं होता है कि कहां पे सही और कहां पे ये गलत हो जाए ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसी प्रोसीजर पे आओगे, 2 मिनट में 8 काम कर रहा है तो हम इस 8 काम को 210 के करीब लेके आएंगे, हम देखेंगे किससे गुणा हो रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप सीधा 210 से किसको कर लोगे, 8 से भाग दे दोगे, कितनी बार जाएगा, 8 दुनी 16, 5 50, 8 6 48, यानी 2 26 बार, और 2 शेष बच जाएगा, यही 26 बार जा रहा है और 2 क्या हो जा रहा है, शेष बच जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 208, 2 शेष बच रहा है, काम 210 था, ये 208 था, तो 2 शेष काम बच रहा है और करने वाला कौन होगा, टी होगा यानी तोहिन होगा, 2/5। इधर 26 से गुणा करेंगे तो इधर भी 26 से गुणा करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 52 मिनट आ जाएगा। तो 52 मिनट ये, और बाकी जो शेष बचा हुआ कार्य है 2/5, 2/5 को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 सेकंड आ जाएगा क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन था ये टाइम एंड वर्क का टफेस्ट क्वेश्चन में बोल सकते हैं, टफेस्ट नहीं मतलब कि मॉडरेट क्वेश्चन में, जब लेवल को थोड़ा बढ़ाना होता है। और यूपीपी के पेपर को अगर हम ध्यान से देखें तो उसने जो सेट किया था, शुरुआत के क्वेश्चन आसान 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 आसान, और लास्ट के 5-6 क्वेश्चन क्या किया था, मॉडरेट लेवल का दे दिया था। उसने कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया, उसने स्ट्रक्चर फॉलो किया कि हर पेपर में कम से कम 20-30% जो क्वेश्चन होते हैं आसान होते हैं, बाकी जो 30% क्वेश्चन या 40% मान के चलो, ये क्वेश्चन क्या होते हैं, और बाकी 30% क्वेश्चन क्या होता है, टफ होता है। तो क्योंकि ये यूपीपी सभी कोई भी एग्जाम हो सबका जो स्ट्रक्चर होता है लगभग यही होता है, आपकी स्ट्रेटजी इस पार्ट को करने की होनी चाहिए, 30% टफ वाले क्वेश्चन पे आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम का मैक्सिमम कट ऑफ 70 या 80%, ज्यादा वैकेंसी वाली, ऐसा नहीं कि 10 वैकेंसी आ जाए तो जाहिर सी बात है उसमें बहुत ज्यादा जाएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक जो जनरल वैकेंसी होती है जिसमें 8-10 हज़ार पोस्ट होती हैं, उसमें कितना भी हो जाए 70-75% से ज्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, और कट ऑफ भाई आप 75% पाके भी जॉब पा जाओगे, कोई 95% पा रहा है तो भी वही जॉब पाएगा, 95% वाले को नोबेल प्राइज मिलने नहीं जा रहा है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, 75% क्लियर करने की होनी चाहिए, और ये 75% इन्हीं 2 लेवल से हो जाएगा। बच्चे क्या होते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं क्वेश्चन से, बोलते हैं अरे ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और इसे मैं करूंगा ही, और उस क्वेश्चन को बेचारे जो उस क्वेश्चन को अगर बलिदान कर दिए होते तो 7-8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लेते, लेकिन क्योंकि उससे प्यार हो गया था बहुत पहले और वादा किया था कि हम बेवफाई करेंगे नहीं, तो क्या होगा, उस क्वेश्चन को लगाने बैठ गए, एक बार किए नहीं आया, दोबारा किए नहीं आया, तिबारा फिर अपनी वफाई प्रूफ कर रहे हैं उस क्वेश्चन के प्रति। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे में आपका टाइम अननेसेसरी चला जाता है, और आप हो सकता है कि मान लो भाई उस क्वेश्चन में आप 4-5 मिनट दे दिए, तो अगर हिंदी पोर्शन कर रहे होगे उस 4-5 मिनट में मेरे ख्याल से पूरी हिंदी खत्म कर दो, अगर आपको आती है तो हिंदी में कुछ करना थोड़ी है, जीएस तो पूरा खत्म हो जाएगा, या तो आपको आएगा या तो आपको नहीं आएगा। तो जीएस के 37 क्वेश्चन करने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, हिंदी हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए भाई, गद्यांश वगैरह हो या छंद वगैरह हो तो एक बार सोचना पड़ जाए कि पढ़ना पड़ेगा फिर क्वेश्चन करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका जीएस है तो 5 मिनट में सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो वहां पे जहां पे केवल 2 क्वेश्चन मिलना था और आप वो भी गलत करके आए है ना, उसके चक्कर में आप पूरा का पूरा पोर्शन कर सकते थे, तो आपकी स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कर लेते हैं,
कह रहा है रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 सॉरी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो टाइम एंड डिस्टेंस का मान के चलो कि ये टफेस्ट क्वेश्चन था, लेकिन इसके पीछे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था। ये क्वेश्चन नया फ्रेम हुआ है यूपीपी के पेपर में, एक तरह से बोल सकते हैं, और बच्चे इसी क्वेश्चन को करने में गलती करके आए थे, क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे कि एक्चुअली में ये हमसे पूछ क्या रहा है। तो क्वेश्चन है रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा की। इतना क्वेश्चन समझो कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक महाशय है रविंद्र, ठीक, वो रोज अपने घर से ऑफिस जाते हैं। नंदा दिमाग तुम लोग, सॉरी सोचो, ठीक, कितने बजे निकलता है? 8 बजे निकलता है ये, रोज रोजाना इसका काम है, और 9:30 बजे अपने कार पहुंच जाता है, रोज इसका यही प्रोसीजर है, 8 में निकलता है, 9:30 बजे पहुंच जाता है। आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आगे लाइन में कह रहा है कि एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा एज यूजुअल, और उसकी 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय की। मान लो टोटल डिस्टेंस कितना है, इतना है, ठीक, तो इसकी 1/3, टोटल डिस्टेंस मान लो 3 है ना, तो उसकी 1/3 मतलब दूरी कितनी, एक ही दूरी वो चला है। 3 में कितना पोषण चला, केवल 1 पोषण, और जो ये 1 पोषण चला है ये अपनी स्पीड की 3/4। कहने का मतलब अगर यहां पे इसकी स्पीड 4 थी तो यहां पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर वह समय पर कार्यालय पहुंचना चाहता है तो अपनी सामान्य गति से उसे कितने गुना गति पर यात्रा करनी होगी। आगे बात समझ में, वो भी कितने की, शेष हिस्से, मतलब कि इस जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे अपने स्पीड से, एक्चुअल स्पीड से कितना बढ़ा दे स्पीड कि उसे टाइम उतना ही लगे। भाई जाहिर सी बात है, एक बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे अगर स्पीड कम हुई तो पहले जितना समय लगता था ये पोर्शन कवर करने में, इतना पोर्शन कवर करने में अभी समय कितना लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा कि कम, ज्यादा लग रहा होगा, तो हम वही देखेंगे कितना ज्यादा लग रहा है। अभी समझो 8 से 9:30 पे जा रहा है, ठीक, मतलब कि अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है और हमने 3 भागों में बांटा है तो एक भाग वो कितने घंटे में कवर कर ले रहा होगा, आधे घंटे में, 30 मिनट में एक भाग वो पहले कवर कर ले रहा था, लेकिन अभी उसकी स्पीड क्या हो गई, 3, पहले थी 4, अभी हो गई 3, तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:4। आगे बात समझ में, पहले लगता था कितना 30, तो 3 बराबर 30 तो 1 बराबर 10, तो 4 बराबर 40, यानी अभी इसे कितना लगेगा, 40 में लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई। अब उसके पास, उसे पहुंचना है 9:30 बजे ही, तो उसके पास समय कितना है, 60 मिनट, 60 मिनट कहाँ है, 40 मिनट यहां पे खत्म हो गया, 60 मिनट तो यहां है, 50 मिनट। अब समझना इस दूरी को इसे कितने मिनट में कवर करना है, 50 मिनट में, यहां पे कितने में कवर करता था, 60 मिनट में। तो टाइम का रेशियो आपको मालूम है कि नहीं, बताओ, स्पीड का रेशियो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा है ना, टाइम का रेशियो है 60:50, यानी 6:5, तो टाइम का रेशियो, सॉरी स्पीड का रेशियो 5:6, और यही तो पूछ रहा है। आगे बात समझ में, तो पूछ रहा है वो कितना गुना हो रहा है, पहले 5 चल रहा था, अभी कितना चल रहा है, 6 चल रहा है, तो कितना गुना, 6/5 गुना। आगे बात समझ में, ज्यादा है ना, पहले 5 चल रहा था, अभी 6, तो कितना गुना, 6/5 गुना, ये आपका उत्तर था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसके लिए आपकी बेसिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्लियर।
देख ले, बहुत बच्चे समझ नहीं पाते हैं, पता नहीं कन्वेंशन में तो पहले इसने मान लिया कि टाइम एक्स एक्स माइनस इतना इसे इतने में पहुंचना है, बस उसी में वो पता नहीं क्वाड्रेटिक क्या बनाते रहते हैं और एक माइनस में वैल्यू लेके घबराते रहते हैं। यही होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, कॉन्सेप्ट क्या है, हमेशा टाइम और स्पीड होते हैं, जो टाइम का रेशियो होगा उसका उल्टा स्पीड का रेशियो होगा, और पूरा चैप्टर रेशियो पे ही लगता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का, ये तो आपको मालूम ही होगा। चलो तो ये पेपर खत्म हो रहा है, हम नेक्स्ट पेपर देखते हैं जो एकदम हूबहू इसी पे है। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, जिसे भी पानी वानी पीना हो पी लो। हाँ कौन, एक बार इसे और बता दे, चलो एक बार बता दे रहे, तो फिर से देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा था। अच्छा चलो इसी के आगे मैं थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। टाइम स्पीड डिस्टेंस से मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वो क्वेश्चन ट्रेन बेस्ड पूछेगा, बोट बेस्ड पूछेगा, बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन होंगे, और अगर इन सब के क्वेश्चन पूछेगा तो वो स्पीड और टाइम के रेशियो पे क्वेश्चन पूछेगा। आगे बात समझ में, ये और ये पोर्शन बहुत ही बेसिक होता है, सिंपल फॉर्मूला पे होता है, आप उसे सीख सकते हो। ये जो पोर्शन है थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट लगता है रेशियो का, और रेशियो कहता है कि जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड का रेशियो उसका जस्ट उल्टा होगा, इनवर्स होगा। आगे बात समझ में, मतलब अगर टाइम का रेशियो 3:4 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा था कि एक बंदा है रविंद्र नाम का, जो प्रायः 8 बजे अपने घर से चल रहा है और पहुंच जा रहा है, ठीक। अब फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दिन वो घर से तो 8 बजे ही निकलता है, लेकिन उसकी एक तिहाई दूरी, जैसे ही एक तिहाई बोला, मेरे दिमाग में क्या आया कि अगर मैं पूरे दूरी को 3 में डिवाइड कर दूं तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसलिए मैं इस पूरे दूरी को किसमें डिवाइड कर दिया, मान लिया तीन किलोमीटर, तो एक तिहाई कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो अगर पूरा भाग 3 है तो इतना भाग क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक तिहाई दूरी वो पहले के स्पीड के 3/4 चल रहा है, मतलब 3/4 मतलब क्या, अगर पहले 1 चल रहा होगा तो अभी 3/4, तो पहले अगर 4 चल रहा होगा तो अभी 3। आगे बात समझ में, पहले चल रहा था 4 के स्पीड से, अभी किसके स्पीड से चल रहा है, 3 के स्पीड से चल रहा है। क्लियर हो रहा है, इतना स्पीड ये है ना, कहां तक, यहां तक केवल, पूरे में नहीं है ना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, और नेक्स्ट 1 किलोमीटर भी 30 मिनट में चलेगा। आगे बात समझ में, तो पहले अगर इतनी दूरी 30 मिनट में कवर कर रहा था तो अभी कितना करेगा, उसके लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है, तो अभी जो स्पीड का रेशियो है वो 4:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4, और पहले, ये पहले का केस है ना और ये बाद का केस है, तो पहले 30 मिनट लग रहा था तो अभी कितना लग जाएगा, यहां तक क्लियर है, यानी कि इतना दूरी तय करने में इसे कितना लगा, 40 मिनट लगा, इसे यहां से यहां तक दूरी करने में पहले तो समय मिलता था 1 घंटा, या मैं बोल सकता हूं 60 मिनट, अभी इसे के पास कितना मिनट मिलेगा, केवल और केवल 50 मिनट मिलेगा। दूरी वही है, समय अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है स्पीड भी अलग अलग होनी चाहिए। पहले जो दूरी 60 मिनट में तय करनी थी वही दूरी अब कितने मिनट में तय करनी है, 50, तो स्पीड पहले से ज्यादा होगी कि कम, ज्यादा होगी, और क्या ज्यादा है वही हमें निकालना था। तो कुछ नहीं करना है, केवल टाइम के रेशियो का क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। पहले अगर 60 लिखता था तो अभी कितना लग रहा है, 50, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये रेशियो क्या है, 6:5 का, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:6, मतलब पहले 5 चल रहा था तो अभी कितना चल रहा है, 6, तो पूछ रहे कितना ज्यादा चल रहा है, तो 5 है तो 6, तो 1 है तो कितना, 6/5, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर नहीं क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। चलो 5-10 मिनट टेस्ट कर लो, आज मुझे लग रहा है सारा समय इसी में चला जाएगा, लेकिन कर लेते हैं, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन की बेसिक क्लियर हो गई तो जो आपका 27-28 में पेपर लगा हुआ है, योगेश आपको जाना है, ठीक है, मर्जी निकल जाए ना,
अगर यहाँ पे बेसिक क्लियर हो गया तो ये एग्जाम में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। और सबसे बड़े क्वेश्चन तो हो सकता है नए फिर से फ्रेम हो, इस पे दिमाग मत लगाओ। दिमाग आपको कहाँ लगाना है? छोटे क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि ये इतिहास है कि जब जब पेपर आसान हुआ है तब तब छोटी छोटी गलतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, और वो छोटी गलतियां आपसे तब नहीं होंगी जब आप उसे बहुत पहले से अच्छे से देखे।